सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर है नोएडा से। पब में युवक की पीट पीट कर हत्या के मामले को लेकर अपडेट है। पुलिस ने अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पब के मालिक लव ठिंगरा की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बिल के लेन देन के विवाद में दरअसल मारपीट हुई थी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। जिस तरह से ये मारपीट हुई, हत्या की गई एक शख्स की, अब इस मामले को लेकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी भी 2 आरोपी ऐसे हैं जो फरार बताए जा रहे हैं। पब के मालिक लव ढिंगरा की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिल की छानबीन करने के बाद इसमें से पुलिस घटना में 9 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं। 9 लोगों में से 8 लोग की पहचान हो चुकी है, वो नामजद हैं। इसमें से 2 मॉल का जो सिक्योरिटी का गार्ड था वो था, और बाकी 5 लोग इस जो बार है उसके स्टाफ थे। 7 लोग ये गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 व्यक्ति फरार है, और बाकी इसमें जो एविडेंस था उसको देखते हुए उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव त्यागी इस वक्त नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। शिव, ये खबर मिल रही है इस मामले में कि 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 2 अभी भी फरार है, और जो पब का मालिक है उसकी भूमिका क्या रही इसकी भी जांच की जा रही है। शिव, देखिए, पब के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा था, जिसमें से 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित किया था। कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को पाए गए थे जिसमें कुछ लोग संदिग्ध पाए गए, और जिसको लेके अब पुलिस के द्वारा जो जांच की जा रही है उसमें जब 9 लोगों को FIR लिखी गई है उसमें 7 लोगों की अरेस्टिंग हो गई, 2 लोग अभी भी जो है फरार है। उनकी ही जल्द गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के यहाँ से जो टीम बनाई गई है वो लगातार जो है प्रयास कर रही है। वहीं जो पूरा विवाद था वो 7400 रुपए को लेकर विवाद हुआ था, जो उसमें जो पब के अंदर जो कर्मचारी थे उनके द्वारा यहाँ पे मारपीट की गई थी, जिसकी वजह से जो ब्रिजेश है उसकी यहाँ पे मौत हो गई थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके आधार पे यहाँ पे मल्टीपल इंजरीज जो है उसके सर में और शरीर के तमाम अंग पे थी, इस वजह से उसकी यहाँ पे मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों को यहाँ पे जेल भेजने का यहाँ पे काम कर रही है। ऐसे में अब 2 लोग जो यहाँ पे फरार चल रहे हैं उनकी भी जल्द यहाँ पे गिरफ्तारी करने का पुलिस प्रयास कर रही है। वही पुलिस की तरफ से भी जिला शासन को एक पत्र जाएगा जिसमें जो जो पब है उसके कैंसिलेशन को लेके यहाँ पे जो है यहाँ पे अभी तक पब के मालिक से कोई पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई है या नहीं की गई? अगर पूछताछ हुई है तो कोई जानकारी अभी सामने आई है पब के मालिक की तरफ से या पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो लोग यहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया है अभी उनसे पूछताछ की गई है। आज जो है पब के जो मालिक है उसके उनसे पूछताछ की जाएगी। जो लव ढिंगरा इस पब का जो मालिक है उसको भी यहाँ पे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही यहाँ पे जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब पुलिस एक के बाद एक जो कड़ी जुड़ती जा रही है, कहीं ना कहीं जो पब का जो संचालक है उसकी भी जो भूमिका है वो संदिग्ध मानी जा रही है। ऐसे में पुलिस की तरफ से प्रशासन को या जिलाधिकारी को जो पत्र जाएगा उसमें ये कैंसिलेशन के लिए भी कार्रवाई करते हुए यहाँ पे माना जा रहा है कि जल्द ही कार्रवाई होगी। ठीक है, शुक्रिया आपका शिव।